हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक साइलेंट लेटर ऑफ द कॉम्बिनेशन यू ई की बात करने वाला हूं। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज द साइलेंट लेटर ऑफ कॉम्बिनेशन यू ई। तो आपको एक बड़ा सिंपल सा ध्यान रखना है रूल। क्या रूल ध्यान रखना है कि यू ही हमारे कहाँ साइलेंट होंगे। वेरी सिंपल रूल है, अगर आपको किसी भी वर्ड के एंड में अगर आपको दो कॉम्बिनेशन मिल जाती हैं, कौन से, एक तो जी यू ई और क्यू यू ई, अगर आपको किसी भी वर्ड के एंड में जी यू ई और क्यू यू ई अगर ये कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, तो हमारा जो यू ई है वो क्या रहता है, साइलेंट रहेगा। यहाँ आप ध्यान रखना कि जो हमारा जी है ये किसका साउंड देगा, ग का, और जो हमारा क्यू है ये किसका साउंड देगा, क का। एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी ओ जी यू ई, अब देखिए यहाँ पर जी यू ई आया है तो ये यू ई हमारा साइलेंट रहेगा। अब हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, वॉक। और आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, वॉग्यू। तो आपको वॉग्यू नहीं प्रोनाउंस करना, यू ई आपका साइलेंट रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, वॉक। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वी ए जी यू ई, फिर हमारा जी और यू ई का कॉम्बिनेशन आया, यू ई हमारा क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, वैग। तो वॉक, वैग। एक और वर्ड देखते हैं हम, सी एच ई क्यू यू ई। देखो अब यहां पर कॉम्बिनेशन क्या आ गया, क्यू यू ई आ गया। मैंने आपको कहा था अगर कॉम्बिनेशन जी यू ई दिया हो या क्यू यू ई दिया दे रखा हो अगर किसी भी वर्ड के एंड में, तो हम यू ई साइलेंट कर देंगे। तो यहां भी क्यू यू ई आया है, यू ई साइलेंट कर देंगे। और मैंने कहा था कि क्यू आपको कौन सी साउंड देगा, के की, तो इसको हम क्या बोलते हैं, चेक, इसलिए हम चेक बोलते हैं इसको। एक और वर्ड देखते हैं हम, एंड दैट इज आई एन टी आर आई जी यू ई। इस वर्ड को दोबारा देखते हैं, हमारे को क्या दे रखा, जी यू ई, तो यू ई साइलेंट हो जाएगा और जी किसकी साउंड देगा, ग की, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रीग। एक और वर्ड देखते हैं हम, दैट इज ई पी आई एल ओ जी यू ई। फिर हमारे पास देखो जी के बाद क्या दिया हुआ है, यू ई, फिर ये साइलेंट रह जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एपीलोग, क्योंकि जी हमारा ग की साउंड देगा। सो एक वर्ड और ले लेते हैं एग्जाम्पल हम, पी आर ओ एल ओ जी यू ई, अगेन जी यू दिया हुआ है, यू ई साइलेंट हो जाएगा, जी हमारी ग की साउंड देगा, इसे हम क्या बोलते हैं, परलोग। तो इस तरीके से बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड्स हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो किससे एंड होते हैं, जी यू ई से और क्यू यू ई से। ओके, एंड और ये जो साउंड्स हैं, ये इन साउंड्स में क्या है, हमारा जो यू ई है वो साइलेंट रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी जी यू ई और क्यू यू ई किसी वर्ड के एंड में आ जाते हैं, तो आपने यू ई को साइलेंट कर देना है, जी हमारा ग की साउंड देगा और क्यू हमारा क की साउंड देगा, जैसे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर किया। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, और आज तक आप इन वर्ड्स को जो रॉन्ग प्रोनाउंस करते आए हो, आज के बाद इन वर्ड्स को बड़ी करेक्टली प्रोनाउंस करेंगे। इफ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर इट, कॉमेंट ऑन इट। थैंक्स।